मैंने देखो मेरे स्टूडेंट ने मुझे मेहंदी लगाई, काफी अच्छी लगाई है, तो अभी उनकी प्रैक्टिस चालू। नागी नहीं ले मंदु। सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइज आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी मस्त हैं और स्वस्थ हैं। तो गाइज हमारी सुबह हो चुकी है और अभी इस वक्त हो रहे हैं मॉर्निंग के 11 एंड मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ काम पे। तो गाइज आज का हमारा दिन शुरू होता है, महत बाबू तो लगे अपने उसमें और शबनम यहाँ पर मतलब उनके कपड़े वगैरह जो भी है वो निकाल रहे हैं, उनको भी जाना है फ्रेश व्रेश होके घर के दीगर काम को अंजाम देने। तो गाइज नाश्ता पानी भी बेहतरीन हो गया है, आज शबनम ने बनाए थे नाश्ते में पराठा, चाय पराठा, और मेरा डब्बा भी रेडी हो चुका है, हर चीज़ें रेडी हो चुकी है। और क्या बोलेंगे शबनम, हाँ गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलेंगे मेरे को, वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज मौसम थोड़ा मतलब सुहाना है, बारिश का मौसम तो लग ही रहा है, पर अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कि बारिश हो जाएगी तो मतलब फिर वही है कि छुट्टी हो जाती है, और नहीं होगी तो मेरा काम मतलब चलेगा। तो ऐसा है, तो यहाँ पर मैडम ने निकाल दिए, देखिए बेडशीट इसके ऊपर बिछाने के लिए, एंड या अल्लाह आगे पूरे कपड़े ये अपना बिस्तर वगैरह सब घड़ी करके वहाँ पर जमा दिए हैं, महत बाबू लेटे हैं। तो चलिए मैं निकलता हूँ बिना देरी करते हुए काम पे, क्योंकि 11 बज चुका है और मुझे वापस भी आना है जल्दी जाके, 7:30 तक इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं घर वापस आ जाऊँ। चलिए देखते हैं कब छुट्टी होती है क्या होती है, तो क्योंकि वहाँ जाने के बाद ही मालूम पड़ रहा है। तो यहाँ पे चालू हो गई थी मेरी मेहंदी क्लास, तो मेरी स्टूडेंट है जो मुझे मेहंदी लगा रहे थे, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन लगाने लग गए हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिस चालू थी दो लोगों की, और देख सकते हैं आप लोग काफ़ी प्यारी डिज़ाइन। सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब, वेलकम हो गया आप लोगों का मुशा ब्लॉग में और महत पापा की प्यारी सी दुनिया में। सो गाइस हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और महत के अभी चले गए काम पे, और फिर मैंने पूरा घर का सारा काम करी, उसके बाद आए थे मेहंदी क्लास के लड़की लोग, तो मैंने देखो मेरे स्टूडेंट ने मुझे मेहंदी लगाई, काफ़ी अच्छी लगाई है, तो अभी उनकी प्रैक्टिस चालू है, तो मेरा हाथ खाली हो चुका था, तो मैंने बोली मेरे हाथ प्रैक्टिस कर लो, तो आज उन्होंने आगे लगाए कल पीछे लगाएंगे। हाँ बेटा, तो थोड़ा ये सूख जाएगा, फिर उसके बाद में थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा काम हम बचा है मैं वो करूँगी, तो चले थोड़ा सा लेटते हैं कि आराम। सो गाइस अब मैं लगी हूँ खाना बनाने की तैयारी करने के लिए, यहाँ पे मसाला भून रहा है, यहाँ पे गोश्त उबल रहा है, मैं बना रही हूँ गोश्त का सालन, और अभी आटा गूंथूंगी। यहाँ पे गोश्त बन रहा है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेथी गोश्त भी बना लिया अपने लिए, थोड़ी सी मेथी रखी थी दोनों से, और इसको देखो क्या कर रहे तुम, क्या कर रहे हैं, पानी की बोतल से खेल रहे, ठीक है खेलो। मेरा काम वगैरह हो गया, मैंने अभी कॉफी बनाई और थोड़ा सा पी रही हूँ, और महत पापा यहाँ पे गोली खा रहे हैं चॉकलेट। हाँ दबा जा जा। सो गाइस मैं आ चुका हूँ काम पर से, और ए, 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 अभी मैं जा रहा हूँ मुँह हाथ धो के फ्रेश होने, और फ्रेश होने के बाद मुझे जाना है नान लेने के लिए, क्योंकि शबनम ने आज बनाए हैं बड़े का सालन, गोश्त का सालन। और गाइस मौसम मतलब यहाँ पर है ना एकदम ठंडा है, बारिश आज यहाँ पर हुई थी, बारिश हल्की यहाँ हल्की हुई, उधर पड़े गाँव में भी मतलब मेरे को समझ भी नहीं आई मतलब हुई क्या नहीं, वही नहीं मालूम पड़ा, पर मौसम मतलब इस कदर ठंडा हो चुका है कि ऐसा लग रहा है ठंडी के मौसम। बुलाओ उसको, देखो तो सोडा पीना। अरे वाह मेरी बेटी कितना पारा दिख रहा है, मधु तो कितना पारा बेटा दिख रहा। तो ये मेरा एकदम प्यारा पापा, जाओ। अरे बाप, ये गोद में रुकता ही नहीं है, वो बीन बजाता उससे, मैं तू बजाओ बीन बजाओ भैया, भैया बीन बजाओ। देखो बराबर बीन बजाता है, देखो मेरा लाड़का बेटा ही है, बीन बजा रहा, देखो माशाल्लाह बहुत समझदार है, बीन बजाओ भैया बीन बजाओ, देखो और बजो पर जा भी रहा है, आगे पकड़ रहा है।
कभी कभार बच्चे के साथ बच्चा भी बनना पड़ता है। मैं नहीं खेलता, बहुत कम खेलता हूँ मार के साथ। पहले भाग, अरे मैं आते सफे ना डर के भाग गया, ना ही भागना चाहिए। बजाओ बीन, बजाओ बीन, बजाओ। देखो ना कितना समझ रहा है, बीन बजाओ बोले तो बराबर मुंह में बीन बजा रहा है। वो फुग्गा पकाने वाला है वो। माशाल्लाह पर बहुत समझदार। जाओ उसको लेके जाके नान लेके आ जाओ, फटाक से आएगा। बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, है ना मम्मा? बहुत अच्छी पीती है ना तू मेरी? हमारी जिंदगी यही जिंदगी। नान लाने के लिए अभी मैं रोटी बना रही थी तो इन्होंने बोले वो सालन के साथ नहीं अच्छा लगता, मेरे को नान ही पसंद है। गरम नान वान जरा एकदम रावस तोड़ेंगे, रोटी भी गर्म रहती पर नान का एक अलग मजा आता है। तो चलिए फटाफट जाते हैं, और वो जो पायदान लेके आए थे घर में मस्त लग रहे हैं, उससे अच्छा ही उगा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं। और गाइस आप लोगों का मतलब कुछ सजेशन दो कि इसको बात को मतलब दूध छुड़ाने के लिए करे क्या। तो 2 साल का हो जाएगा अगले महीने में, क्योंकि जो जो कर रही ना वो सब चाट ले रहा है वो। अभी देखो एलोवेरा भी काट के रखे, यही वही पड़ा है, एलोवेरा काटे तो भी वो भी एलोवेरा भी पी ले रहा है, वो तो लेना अच्छा है। तो अगर आप लोगों के पास मतलब आप लोगों का जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तो वो शबनम को मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं, या कोई उसकी दवा या कोई लिक्विड कुछ भी हो सकता है जो हार्मफुल ना हो, जो कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाता है, मतलब ये सब काम में मतलब ज़्यादा सहायता करेगा। तो ऐसा कुछ बोली ना मेरे को बताया ना बाजी ने, वो मेहंदी सिखाने जो आते हैं ना ठीक ने, वो एलोवेरा एलोरा करके कुछ है वो लगाओ, बोले सही छोड़ देगा उससे। हाँ तो आप लोग भी अपनी बेहतर से बेहतरीन राय दें। तो चलिए मैं जा रहा हूँ नान लाने के लिए, मिलते हैं आने के बाद। मैं आ गया नान लेके, ये रह रहा हुआ मेरा नान, और ओ माय गॉड फुल नल्ली न्यारी व्यारी बना दी ले आज तो तुमने। हाँ आपने लेके आए थे ना इसे। चलो अच्छा, तो कैसे आइए आप लोग भी खाना खाने के लिए, और वो टकले को खाना हो गया, और महत पापा का मैंने यहाँ सुला दी, और अब मैं चेंज कर रही हूँ तकिए की कवर, बेडशीट तो सुबह चेंज कर दी थी, फिर कवर अभी कर देती हूँ, इसको इसमें डाल देती हूँ अच्छे से। सो गाइस हमने खाना वगैरह एकदम मस्त खा लिए, और यहाँ बिस्तर वगैरह डाला, और आज पंखे का जो रेगुलेटर है वो शबनम ने कम कर दिया, कितने पे रखे, 2 पे। ठंडी बहुत लग रही है, क्योंकि बहुत ठंडी हुआ है भाई, बहुत ठंडी लग रही है, एकदम हाथ पैर भी सुन हो रहे मालूम ठंडी से तो। अच्छा और मेरे को तो भाई बिल्कुल मतलब ठंडी नहीं चलती, शबनम को तो भी चल जाती है, इनको गर्मी नहीं चलती, मेरे को ठंडी नहीं चलती। तो यहाँ पर मतलब ऐसा है कि अगर ठंडी रहेगी ना तो मैं एकदम पूरा होल लपेट के एकदम सोना पसंद करता हूँ, बहुत मतलब एकदम पैक ऐसा है। और ज़रा भी फिर मतलब मैंने ना पैर कभी एक ऐसा छोटी उंगली भी खाली नहीं रहना चाहिए, फिर एकदम पैक हो के मेरे को सोना अच्छा लगता है। तो आज का जो क्लाइमेट है ये देख के तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ठंडी के मौसम चालू हो चुके हैं, तो जॉकेट वॉकेट धो के डालना पड़ेगा ऐसा लग रहा है अभी आज शबनम, क्योंकि वाकई ज़्यादा लग रही है भाई ठंडी। महात को भी शबनम ने जॉकेट वगैरह सब और लपेट के एकदम कवर करके उसको सुला दिए, और अभी उसके ऊपर और एक ब्लैंकेट आएगी, जब हम लोग सोएंगे ना तो शबनम अपनी ब्लैंकेट भी उसके ऊपर डालते, मतलब उसको डबल ब्लैंकेट रहती है ऐसा है, क्योंकि हमारे छोटे नवाब हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं तो रात में उनकी ज़रा सेवा करना पड़ता है।
के बहुत मस्ती करता है आजकल। हटाते रहता है मुझे, फिर बार बार उसको उड़ाना पड़ता है, पूरी रात मेरी उसी में जाती है। क्योंकि कैसा है ना, अभी ठंडी है तो मतलब बहुत जल्दी बच्चे को पकड़ लेगी इस वजह से, तो उसको मतलब शबनम ज्यादा केयर करते है, और मैं ये कोने में रहता हूँ, शबनम बीच में और वो महा दूध दोनों जन मुझे दबा देते हैं। तो यहाँ से दबाता बेटा, यहाँ से दबाता, अपना काम ये भाई, मतलब वहाँ से एकदम लेट फेड़ के सोने का, एकदम फैल के टेंशन नहीं लेने का, जरा भी अपना ही घर है तो मस्त सोने का ना, उसमें फिर क्या है कि नहीं तो। कलर नहीं आया, कलर बहुत कम आया क्योंकि मैं बर्तन वर्तन बहुत धोई ना इसकी वजह से। हाँ सो गाइस चलिए फिर आज, और देखो ना मैंने टी शर्ट भी ये वाला पहना हूँ आज के, गर्दन वर्दन भी एकदम गर्म रहना चाहिए, क्यों बाहर भी सुबह सुबह गाड़ी पे जाता हूँ ना भाई, बहुत हालत ख़राब होती है ठंडी से। तो चलिए गाइस फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आज का हमारा दिन ही ख़त्म होता है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और आपके आप कौन मतलब आप कहाँ से हो और आपकी तरफ ठंडी कैसी ये भी ज़रूर बताना है, बारिश का क्या हाल चाल है तो हमें ज़रूर इत्तला करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज का हमारा दिन यही ख़त्म होता है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो अल्लाह हाफिज़।